Assalamualaikum and welcome to Chatpat Recipe. मैं हूँ शेफ आयशा अब्रार. आज हम एक नहीं दो नहीं तीन तीन चीज़ें बनाएंगे. एक तो हम बनाएंगे माश की दाल के दही बड़े, जो कि बहुत सारी फरमाइशें थी, काफ़ी अर्से पहले हमने बनाए थे, तो आई थॉट कि दोबारा से हम ज़रा वो बनाते हैं. और उसके साथ हम होम मेड चाट मसाला बनाएंगे, उसके ऊपर चाट मसाला ऐड करेंगे मगर वो होगा होम मेड. और उसके साथ हम बनाएंगे होम मेड एग पुडिंग, जिसमें हम कोई कस्टर्ड पाउडर ऐड नहीं कर रहे, कोई पुडिंग पाउडर ऐड नहीं कर रहे. इट्स होम मेड पुडिंग जो कि हम अंडे से तैयार करते हैं. दिस इज़ लाइक द ईजीएस्ट थिंग इन द होल वर्ल्ड. इसी नोट के साथ करते हैं शो की शुरुआत और चलते हैं आज हम एग पुडिंग की जाने. सबसे पहले मैं बताती हूँ एग पुडिंग में हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं. दूध हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 लीटर. 1 लीटर दूध के हिसाब से हम इसमें 4 अंडे ऐड करेंगे. टेट्रा पैक वाली क्रीम शामिल कर देंगे 1 पैकेट. साथ में हम इसमें शामिल करेंगे आइसिंग शुगर एंड वनीला एसेंस. कि हम ले लेंगे एक बोल के अंडा, परफेक्ट. तो एक एक करके इस तरह से हम ऐड करेंगे. तीसरा एंड अंडे को हम मिलाएंगे चीनी के साथ. आइसिंग शुगर मैं इसमें कर दूंगी ऐड. वनीला एसेंस मैं ऐड कर दूंगी चाय के चमचे के बराबर. अच्छी तरह से ये मिक्स कर दिया हमने. हम ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क. क्रीम हम कर देंगे ऐड. दम से इसका कलर जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा जब आप चीनी को इतना पका लेंगे. कैरेमल है ना, ये हम ऐड कर देंगे हमारे रेमिटेंस में. अब होता ये है कि पुडिंग में हमें मॉइस्चर चाहिए होता है, इसलिए हम कर देंगे पानी ऐड. 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवन को हमने प्री हीट कर दिया है आधे घंटे के लिए. कैरेमल बना के उसमें भी आप इसको बेक कर सकते हैं. अब दूसरी रेसिपी की जाने बात करें, विच इज़ माश की दाल के दही बड़े. जो मैं माश की दाल के दही बड़े बनाती हूँ वो दुनिया में सबसे आसान और सबसे सिंपल होते हैं. 8 घंटे माश की दाल जो है वो भीगी हुई होनी चाहिए. थोड़ा पानी थोड़ी दाल ब्लेंड करेंगे, फिर थोड़ा पानी थोड़ी दाल. कंसिस्टेंसी पे हमारा कंट्रोल रहेगा. अच्छी तरह से एंड दैट इज़ 1 or 2 हरी मिर्चें. एज इट इज़ पूरी हरी मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं. ब्लेंड करेंगे, सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा. तो ये बेकिंग पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे. इसका दही बनाने के लिए कोई भी ताज़ा दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए. ये हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन. नमक ऐड करेंगे इसमें हसबे जायका. मैं करूँगी ये कि मैं जो माश की दाल के बड़े हैं ना उनको फ्राई करने का सामान रेडी कर लूँगी. और उसमें ये है कि ऑयल. दिस इज ओनली माश की दाल. सी द लुक, इफ यू आर एबल टू सी ये कितना सॉफ्ट है और कितना स्मूद है. डीप फ्राई कर रहे होते तो फिर ये बिल्कुल गोल गोल से और राउंड से बनते हैं. अच्छा, हरी मिर्ची यहाँ पे मैंने हावन दस्ते में ज़्यादा स्पाइसी और मज़ेदार से बनाई. छटपट रेसिपी शेयर आपके साथ करती रहूँगी. चाट मसाला बनाने के लिए हम शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया. फिर सफ़ेद जीरा हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच. अच्छा, यहाँ पे देखें कि चाट मसाले को जल्दी से कर लेते हैं कम्प्लीट. नमक हम इसमें शामिल कर देंगे और ये 1 अदद बड़ी इलायची, अजवाइन, साबुत गोल लाल मिर्चें, काली मिर्चें, काला नमक हम इसमें करेंगे शामिल. और ये अच्छा सा मज़ेदार सा चाट मसाला हमारा हो जाएगा तैयार. टेस्ट करें. एंड नाउ सम दही. चाट मसाला कड़ी पत्ता यमी सा रेडी. बहुत सारा ख्याल रखिएगा. हम सबको दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.